हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा। तो इसका जो बेस है ना, वो हम सूजी से तैयार करेंगे। बहुत फटाफट से बन जाता है, कोई आटा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैदा वगैरह हम लगाते हैं पिज़्ज़ा के लिए पहले से, उसका बेस बनाने के लिए, तो इसमें वो सब झंझट बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से सिर्फ 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और कढ़ाई में हम इसे बनाएंगे, तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, ये ले लिया है मैंने दही। दही मैंने एकदम फ्रेश लिया है, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ में ये लिया है मैंने सूजी बारीक वाली, जो रवा बोलते हैं जिसे। ये ले लिया है मैंने चेडा चीज़, आप चाहें तो स्लाइस क्यूब्स जो चाहें वो ले सकते हैं। मोजरेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो घिस कर डालने वाली होती है वो। ये ले लिया है मैंने शिमला मिर्ची, साथ में ले लिया है मैंने टमाटर। ये लिया है मैंने पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा टॉपिंग जो होती है इसके साथ। ये ले ली है शेजवान चटनी, और साथ में यूज करूंगी मैं टमाटो केचप। मुझे ना मेयो का टेस्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ, मतलब कम ही यूज करती हूँ मैं उसे। आपको पसंद हो तो आप बिल्कुल यूज कीजिए, जो भी आपको सॉसेस पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं इसमें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ले लिया है ये बाउल, इसमें डाल दूंगी मैं ये सूजी और साथ में ये दही। इसे कर लेंगे हम मिक्स। अभी देखिए लग रहा था कि दही बहुत कम है, लेकिन इससे सारी जो सूजी है वो अच्छे से गीली हो चुकी है। और अब इसमें जाएगा पानी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, लेकिन यही है ना कि सूजी थोड़ा सा पानी पीती है, उस हिसाब से ये इनफ है बिल्कुल। आप थोड़ा सा पानी ध्यान से डालिए। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि बिल्कुल फीका भी अच्छा नहीं लगता ना इसका बेस, मुझे तो पसंद नहीं है। तो बस इस तरीके से ये हो चुका है एकदम रेडी। अब इसको हम छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से भी कम में वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ देंगे, ताकि सूजी ना बहुत अच्छे से फूल जाए हमारी, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब इसे छोड़ देते हैं। इधर इसे रखे हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो मैं इसमें डालूंगी ये इनो, पूरा पैकेट मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, और बस ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है जैसा हमें चाहिए। इधर मैंने ले ली है कढ़ाई, और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, एक चम्मच के करीब ही डाला होगा, और थोड़ा सा कम ही है। इसको इस तरीके से फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये हो चुकी है बहुत अच्छे से गरम। तो ये जो मिक्सचर है ये जाएगा कढ़ाई के अंदर। इधर इसे मैंने फैला लिया है बहुत अच्छे से, और अब कर देना है हमें इसे कवर। ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा, फ्लेम मैंने स्लो ही रखा हुआ है। तो इधर इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा हो चुका है एकदम रेडी। तो देखते हैं, इसको अब हमें पलट लेना है थोड़ा सा ध्यान से। देखिए इस तरीके से मैंने इसे लिया है पलट, और अब मैं कर दूंगी गैस बंद। अब इसके ऊपर हम जो अपनी सब्जियां हैं उनको लगा लेते हैं।
सबसे पहले जाएगी इस पे टमाटो सॉस, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग, उसके बाद ये शेजवान चटनी, इसके साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं इस टाइम पर ही इसमें, और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब, और इसके साथ इन सारी चीज़ों को कर लेना है हमें मिक्स बहुत अच्छे से इस पर ही। आप चाहें तो कटोरी में भी ये बेस पहले से बना कर रख सकते हैं, लेकिन मैं साथ की साथ ही बना रही हूँ। तो बस बहुत अच्छे से मैंने ये फैला ली है, अच्छे से इसका बेस तैयार हो चुका है, और अब इस पर जाएंगी ये शिमला मिर्ची, प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं, इसके साथ ही टमाटर फैला लिए हैं ये मैंने, और अब इस पर जाएगा ढेर सारा चीज, चीज मैंने डाल दी है, और अब मैं कर दूंगी गैस ऑन, लेकिन फ्लेम स्लो ही रखना है, और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऊपर से डाल दूंगी मैं, और इसके साथ ही बहुत थोड़ा सा मैं डालूंगी इस पर ब्लैक पेपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और बस अब क्या करना है, अब करना है बस थोड़ा सा वेट चीज़ के मेल्ट होने का, और हाँ हल्का सा ना मैं इस पर नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि ये सब्जियों का टेस्ट फिर थोड़ा फीका फीका सा लगता है, बहुत हल्का सा बस चुटकी भर के करीब ही, और इसे कर देना है अब हमें कवर। तो इधर देखिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये हमारा पूरी तरीके से पक कर तैयार है। मैं कर दूंगी गैस बंद, और चलिए चलते हैं अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में। इधर देखिए मैंने इसे निकाल लिया है चॉपिंग बोर्ड पर, तो मैं करूंगी इसे कट, और देखते हैं कि इसका चीज़ पुल कैसा रहता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया से बहुत गर्म है, अभी मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि चीज़ पुल कितना बढ़िया है इसका। तो हमारा बहुत ही टेस्टी सा, बहुत क्रिस्पी सा ये सूजी का पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, और बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, तो आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। जब भी मैं ये वीडियो डालूँ आप फटाफट से इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना, ये सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चे बड़े सबको पिज़्ज़ा वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे चैनल को इसी तरीके से ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ना करते रहिए, और मैं आपके लिए इस तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।